हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अपना चूल्हा चौकी। आज बनाऊंगी अंडा बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में अंडा बिरयानी बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। अंडा बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज मैं इसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। ये बिरयानी स्पेशल बैचलर्स के लिए है जिन्हें प्रेशर कुकर में बहुत ही आसान होगा बिरयानी बनाना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अंडा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास नॉर्मल जो हम चावल यूज़ करते हैं घर में, मैंने बस वही नॉर्मल चावल यूज़ किया है। इससे भी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे हमें धो के 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं रखना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं जिसमें इस तरीके से हमें चीरा लगा लेना है। यहाँ पर मैंने बॉयल अंडे लिए हैं। इस तरीके से अगर हम अंडे को काट लेंगे तो इसके अंदर ग्रेवी बहुत ही अच्छे से चला जाता है। क्योंकि मैं ये बिरयानी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसके लिए हमें एक प्रेशर कुकर गैस पे गर्म करने के लिए रख देना है। इसमें हमें 4 बड़े स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। तेल हमारा जैसे इसमें गर्म हो जाए, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ प्याज को लंबे लंबे पीसेस में इस तरीके से काट लिया है। इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बिरयानी में ये फ्राई किया हुआ प्याज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसके लिए हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। फ्लेम हमें हाई ही रखना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर में आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो प्याज निकालने के बाद कुकर में जो तेल बच जाता है उसी तेल में हमें सारे अंडे को भी फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हम अंडे को डाल देंगे और इसके ऊपर हमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालना है और 1/4 स्पून मिर्च पाउडर। इससे अंडे में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो सारे अंडे को हमें इसमें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही अंडे हमारे गोल्डन कलर में आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। वापस से इसी तेल में हमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे 1-2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्पून जीरा, 4 हरी मिर्च, 1-2 तेज पत्ता, 4 लौंग और 2 इलायची मैंने लिया है। इसे हम इसमें डाल देंगे। इन सारे मसालों को हमें डाल के 1-2 मिनट तक भून लेना है ताकि हमारा जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए और तेज़पत्ते भी थोड़े से गोल्डन कलर में आ जाए। तो यहाँ पे खड़े मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी डाल के हमें 1-2 मिनट तक भून लेना है ताकि प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसी के साथ हमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसे भी हमें 1-2 मिनट प्याज के साथ ही भून लेना है ताकि इसका कच्चापन टेस्ट चला जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च को इस तरह से काट के डाल दिया। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम एक टमाटर को इस तरह से चॉप करके डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, तब तक हम इसे चलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसी में हम सारे मसाले अब डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा स्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/3 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैं इसमें 2 बड़े स्पून बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आप किसी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1-2 मिनट तक हमें मसालों को भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। नमक डाल के हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज में हम यहाँ पे कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते और कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा
टेस्ट आता है बिरयानी का, तो पुदीना ही जान है, बिना पुदीना का तो बिरयानी में कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 4 बड़े स्पून इसमें दही डाल रही हूँ। दही डालने से पहले हमें एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, दही डालते वक्त हमें गैस को लो फ्लेम पे रखना है। अगर कुकर ज़्यादा गर्म है तो आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लेम को लो कर दी हूँ और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो हमारा दही फट भी सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट तक दही के साथ मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, यानी कि जिस भी कप की कटोरी या फिर ग्लास से आप चावल लें उसी से हमें पानी भी डालना है, तभी हमारा चावल भी खिला खिला रहेगा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें चावल डालेंगे, चावल हमें सारा एक साथ नहीं डालना, आधा चावल डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम अंडे डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अंडों को डाल दिया है इस तरीके से। इसके बाद जो बचा हुआ चावल था वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से फैला लेना है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ 1 स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लेती हूँ। इसके ऊपर जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था वो हमें इसे डाल देना है इस तरीके से। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से काट लिया, इसके ऊपर हमें डाल देना है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बहुत सारे फ्रेश पुदीने के पत्ते और थोड़े से धनिए के पत्ते। इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो पुदीने और धनिए के पत्ते डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देना है। उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट आने तक इसे अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी अच्छे से पक चुका है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला सा चावल नज़र आ रहा है, चावल आपस में चिपके नहीं है, बहुत ही खिला खिला सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे को इस तरीके से रखा था, इसे हम कटिंग करके इसके ऊपर सजा देंगे जिससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा ये अंडा बिरयानी। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से आप भी बनाएं, आई होप आपको ये अंडा बिरयानी बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।